The question given is if alpha and beta are the roots of the equation x square minus 4x plus 1 is equal to 0, where alpha is greater than beta, then we have to find the value of beta cube by 2 cosec square of half tan inverse beta by a minus alpha cube by 2 sec inverse of half tan inverse of alpha by beta. तो हमें given है x square minus 4x plus 1 is equal to 0 और इसके roots है alpha beta. That means alpha plus beta की value है minus of minus 4 by 1 that is 4. And alpha beta की value है 1 by 1 that is 1. अब f of alpha beta जो है वो हमें given है beta cube by 2 cosec square of half tan inverse of beta by alpha plus alpha cube by 2 sec square of half tan inverse of alpha by beta. ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं beta cube upon 2 cosec square को sin square of half tan inverse of beta by alpha plus alpha cube by 2 cos square of half tan inverse of alpha by beta. अब हमें एक फॉर्मूला पता है कि cos of 2 theta is equal to 2 cos square theta minus 1. That means 2 cos square theta is equal to cos 2 theta plus 1. cos 2 theta का एक और फॉर्मूला होता है 1 minus 2 sin square of theta. तो 2 sin square theta हो जाएगा 1 minus cos of 2 theta. तो यहाँ पर हमें मिलेगा कि f of alpha comma beta is equal to beta cube upon 2 sin square की जगह आ जाएगा 1 minus cos of tan inverse beta by alpha plus alpha cube upon cos of tan inverse alpha by beta plus 1. Sorry, यहाँ पे ये plus 1 इस तरीके से. ठीक है, अब अगर हम देखते हैं, हम tan inverse of beta by alpha को ले लेते हैं theta, तो tan of theta हो गया beta by alpha के equal. That means जो हमारा right angle triangle अगर हम complete करें इस तरीके से, ये angle theta है, ये बीटा है, ये अल्फा है, तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. तो यहाँ से आ जाएगा कि कॉस थीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. तो जो थीटा है हमारा वो हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ अल्फा अपॉन अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. सिमिलरली अगर हम इधर टैन इनवर्स ऑफ अल्फा बाई बीटा को ले लेते हैं फाई, तो अल्फा बाई बीटा हो जाएगा टैन फाई के इक्वल. That means अगर एक right angle triangle complete करते हैं तो ये angle, ये हमारा phi, ये alpha है, ये beta है, तो ये हो जाएगा under root of alpha square plus beta square. तो यहाँ से आएगा कि cos phi is equal to beta upon under root of alpha square plus beta square. That means phi की value हो गई cos inverse of beta upon under root of alpha square plus beta square. तो यहाँ पे अगर हम देखें f of alpha comma beta हो जाएगा beta cube upon, यहाँ पे आएगा 1 माइनस कॉस ऑफ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ टैन इनवर्स बीटा बाई अल्फा दैट इज कॉस इनवर्स ऑफ अल्फा अपॉन अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब अपॉन कॉस ऑफ कॉस इनवर्स बीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू बीटा क्यूब अपॉन 1 माइनस ऑफ अल्फा अपॉन अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब अपॉन बीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 1. तो ये हो जाएगा बीटा क्यूब इंटू अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस अल्फा क्यूब इंटू अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. ये आ गया. तो अगर हम अल्फा क्यूब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं तो ये होगा बीटा क्यूब अपॉन अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस अल्फा क्यूब अपॉन बीटा प्लस अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दैट इज अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बीटा टू द पावर 4 प्लस बीटा क्यूब अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब इंटू अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा टू द पावर 4 होल अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा इंटू अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा. ये आ गया. दैट इज ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. ये हो जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस
यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो अल्फा टू द पावर 4 माइनस बीटा टू द पावर 4 होल अपॉन अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा इंटू अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा, ये आ जाएगा। दैट मीन्स अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू, अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें पता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है 4 के इक्वल, दैट मीन्स ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस ऑफ 2 दैट इज 14, तो ये हमारे पास आएगा अंडर रूट ऑफ 14 इंटू अंडर रूट ऑफ 14 अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा बीटा, ठीक है, माइनस ऑफ अल्फा टू द पावर 4 माइनस बीटा टू द पावर 4 दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस ऑफ बीटा स्क्वायर, ये आ जाएगा होल अपॉन यहाँ पर अल्फा स्क्वायर ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 14 माइनस अल्फा इंटू अंडर रूट ऑफ 14 प्लस बीटा, ये आ गया हमारे पास दैट इज रूट 14 इंटू अंडर रूट ऑफ 14 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 है इंटू 14 माइनस ऑफ 1, ये आ गया माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दैट इज 14 अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा होल अपॉन, इसको सॉल्व करते तो हमारे पास आएगा 14 माइनस रूट 14 अल्फा, यहाँ पे रूट माइनस रूट 14 अल्फा आ गया प्लस रूट 14 बीटा माइनस ऑफ अल्फा बीटा दैट इज ये हो जाएगा रूट 14 इंटू रूट 14 इंटू 4 इंटू 13 माइनस ऑफ 14 इंटू 4 इंटू अल्फा माइनस बीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 अल्फा बीटा होल अपॉन 14 माइनस रूट 14 कॉमन ले लें तो अल्फा माइनस ऑफ बीटा माइनस अल्फा बीटा, ठीक है। तो अभी हमने देखा अल्फा माइनस बीटा होता है अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 अल्फा बीटा दैट इज अंडर रूट ऑफ 16 माइनस 4 दैट इज अंडर रूट ऑफ 12 आ गया, तो ये हो जाएगा रूट 14 इंटू रूट 14 इंटू 4 इंटू 13 दैट इज 52 माइनस 14 इंटू 4 इंटू रूट 12 होल अपॉन यहाँ पे आएगा 14 माइनस रूट 14 इंटू रूट ऑफ 12 माइनस ऑफ 1 दैट इज 14 इंटू 54 52 माइनस 14 इंटू 4 दैट इज 56 इंटू रूट 12 इंटू रूट 14 होल अपॉन 13 माइनस ऑफ रूट 14 इंटू रूट 12 ये आ जाएगा। अब 14 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 52 माइनस 4 इंटू रूट 12 इंटू रूट 14 होल अपॉन 13 माइनस रूट 14 इंटू रूट 12, अब 4 वापस कॉमन ले लेते हैं तो 14 इंटू 4 13 माइनस रूट 14 इंटू रूट 12 अपॉन 13 माइनस रूट 14 इंटू रूट 12 आ गया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें मिलेगा 14 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 56, तो हमारा आंसर आ गया है 56। सो आंसर इज 56 एंड दिस इज आवर सॉल्यूशन।